क्योंकि एक हाथ तो पहले दे दियो मैं नहीं, मेरा काम जादू का है यहाँ पर फिलहाल. सो इट्स 5, 4, 3, 2 and 1. अभी अगले कुछ पल में मैं आपको ऐसे टच करने वाली हूँ, ऐसे चलेगा राइट? आपको क्या करना है, एक मिनट आपको बोलूँ से पहले, आपके साथ भी सेम, आपको भी मैं ऐसे टच करने वाली हूँ. आपको क्या करना है, आपको जो भी टच महसूस होता है उसे याद रखना है, और साथ ही मैं कुछ सवाल आपसे करूँगी, उनका आपको जवाब देना है. सिंपल है, जो भी टच फील होता है उसे याद रखना और मेरे सवालों के जवाब देने, जो मैं पूछूं बस उसी का ही जवाब देना है, राइट? माइक आप ले लीजिएगा. ओके, हेलो, फाइन, दैट्स फाइन, चालू है. तो अब खास बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी आंखें बंद रहने वाली है, रख सकते हैं, राइट? एक्ट का पार्ट है, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ महसूस होगा, चलेगा? ठीक है, आंखें आप तब तक बंद रखेंगे जब तक कि मैं आपसे ना कहूं कि अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, ठीक है? ट्रस्ट कर सकते हैं, इतने सारे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं. ओके, है ना? मतलब आपको जो जवाब देंगे आप देंगे माइक में, लेकिन बंद आंखों से, ठीक है? तैयार है आप? ओके, आपको आंखें खुली रखनी है, आपको बंद नहीं रखना है. ओके, ठीक है, तो मैं चाहूंगी आप सामने फेस कर लीजिए, ऐसे, गुड. आप भी फेस सामने कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें इसी तरह बंद रखेगा, नो चीटिंग. तो छोटू जी, आप माइक में बोलेंगे कि आपको कोई टच फील हुआ था, यस या नो? हाँ, हुआ था. ओके, क्या आप अपने लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से हमें बता सकते हैं किस जगह आपको टच फील हुआ? ओके, क्या आप हमें करके बता सकते हैं द मोशन ऑफ द टच, किस तरह आपको टच फील हुआ, करके बताओ. ऑल राइट, तो अभी हम ये जो कनेक्शन बना है इसे थोड़ा सा और मजबूत करने वाले हैं. आप अपनी आंखें खोलेंगे प्लीज. छोटू जी, आप माइक लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, अपना राइट हैंड ऐसे करेंगे, बदला नहीं लेना है भाई, आराम से. ओके, गुड, स्ट्रेच कर लीजिए, फाइन. और आंखें बंद कर ली, एक बार खोलो, एक बार खोल दो. ओके, फेस सामने ही, और अब आंखें बंद करने के बाद जो भी टच फील होता है उसे ध्यान रखिएगा. ओके, गुड, आप भी अपना हाथ फाइन ऐसे रखिएगा. छोटू जी, क्या आपको कोई टच फील हुआ था माइक में, यस और नो? हाँ हाँ, हुआ था. क्या आप हमें बता सकते हैं आपको कितनी बार टच फील हुआ? दो बार. ओके, क्या आप अपने माइक वाले हाथ से बताएंगे हमें किस जगह आपको टच फील हुआ, हाथ से? ओके, एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल. अपने हाथ नीचे कर लो, अपनी आंखें खोल लीजिए. जो आखिरी टच आपको फील हुआ, लास्ट टच, क्या आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको ऐसे टच किया, या वो इस पंख से था? हाँ, शायद पंख ही होगा, शायद पंख से था, राइट? हाँ, हाँ. आपको लग रहा होगा ना कि ये लोग ताले क्यों बजा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, मतलब आपकी आंखें बंद थी तो आपको नहीं पता. मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे हजम कर पाए, क्योंकि जितने भी टच आपको फील हुए थे आपको किसी ने टच नहीं किया था. लाइव देख लेना, लाइव देख लेना, सही बात है, आपको किसी ने टच नहीं किया, वो सारे टच में इन्हें कर रही थी, आप एक बार वापस और महसूस आपको हो रहे थे. देख लेना, नहीं मैं वीडियो देखूंगा. वो सत्य बात है क्या? तो फिर एक बार जोरदार तालियां बजाएं. आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात की गवाह, मतलब आप मुझसे मत पूछिए, इस बात के गवाह ये हैं, इन पे तो आप भरोसा करते ही हैं. मैं सही बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, है ना? फिर तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, और हमारी जनता जवाब देगी,
जनता, जब सुनो, क्या मैंने इन्हें टच किया था? जब जब आपने ये पंख टच किया, मैंने सोचा ओम जी की दाढ़ी है, फिर मुझे याद आया ओम जी की दाढ़ी है ही नहीं। फिर तो कमाल, एक बार जोरदार था। ओम जी की दाढ़ी आपके हाथ पे क्या करेगी? सोचने वाली बात है। जादू है, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो जादू में कुछ, ये इनका जादू तो वैसे शब्दों से चलता है, इनका जादू लोगों के दिलों में चलता है। फिर तो तालियां होनी तो चाहिए ना। ओम जी की, मैं इनकी आवाज सुन रही थी, सच में मैं आपकी मुरीद बन गई आपकी आवाज सुन के, आपके तरीके सुन के। ओके, सो थैंक यू सो मच। वैसे आपकी नींद तो गई, वैसे तो आपको वैसे भी नींद नहीं आती होगी, लेकिन आज जो कुछ हुआ है, जब तक आपको वीडियो मिलेगा नहीं तब तक आपको चैन मिलेगा नहीं, है ना? वो अच्छा अच्छा, आपके ग्रुप के वाले कौन कौन है जो इनके साथ हमेशा रहते हैं? इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ आप, हाँ हाथ खड़े करो यार, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। आप लोग इनके ग्रुप से हैं राइट, हमेशा साथ में रहते हो, मेरा एक छोटा सा संदेश इनके घर वालों तक पहुँचा देंगे? दोनों के घर वालों तक कभी बात हो, एक छोटा सा मैसेज है। आप लोगों ने देखा है सामने कि इन दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। तो मेरा काम यहीं तक था, अगर घर जाने के बाद कुछ होता है, अगर तो भाई ये दोनों जाने या इनके घर वाले जाने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों के लिए, एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। मेरे और ओम जी के खाते, बैंक खाते के बारे में थोड़ा कुछ ऐसा ही कुछ सिस्टम कर दो, पैसे इनमें डाले और आए मेरे पास। थैंक यू सो मच। ज्यादा बेटर ये नहीं हुआ कि डाले आप दोनों के पास, आए मेरे पास। ओके अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जादू पिछले करीब 25 सालों से कर रही हूँ, मेरा 25वां साल रनिंग है। तो अक्सर एक सवाल मुझसे लोग कहते हैं कि आंचल आप इतने सारे शोज करती हो, इतने सारे जादू करती हो, तो अभी तक की जिंदगी का सबसे बड़ा मैजिक कौन सा था? तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, आप लोगों को बताना चाहूँगी। सन 2014 में, 2014 में हमने एक मैजिक किया था, जब मुझे 100 फीट लंबी स्टील की चेन और 100 तालों से बांधा गया, उसके बाद मुझे एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया, फिर उस बॉक्स को बाहर से लोहे की पत्तियों से वेल्ड कर दिया। इस पोजीशन में उस बॉक्स को एक क्रेन से उठाकर एक सूखे घास के कुएं में डाला गया और उसमें आग लगा दी थी, और मैं वो जलती हुई आग में से कुछ सेकंड में सकुशल बाहर आई थी। ऐसा करने वाली मैं हिंदुस्तान की पहली महिला जादूगर बनी हूँ, और हमारे इस एक्ट को, इस जादू को सन 2016 की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला है। तो मैंने आपको ये बात इसलिए बताया क्योंकि इसका एक छोटा सा डेमो मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ, और फिर से मुझे दो जनों की जरूरत है, आप आ जाओ, आप आ जाओ। और अच्छा, आप एक साथ में धन्यवाद इन दोनों के लिए, एक बार जोरदार तालियां। मुझे एक कुर्सी मिल सकती है आगे से? आ गई क्या? थैंक यू, क्या बात है, बड़े फास्ट निकले यार मेरा टीम। ओके, आपका शुभ नाम? बबलू शर्मा। बबलू जी, माफी चाहती हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता। आपका? चंदन सिंह। चंदन की तरह चमक रहे हो यार, आप इस तरफ आएंगे बबलू जी। ओके, तो आज आप लोगों को करना क्या है? आज मुझे एक जना चाहिएगा माइक के लिए। आज आप दोनों को मिलकर मुझे इस रस्सी से बांधना है, ठीक है? ये बोल रहे ये काम ठीक है, इतने उत्सुक है जैसे कि कब से इंतजार कर रहे हो कि ऐसा कब मौका मिलेगा आंचल को बांधने का। ओके, अच्छा एक आगे दिखाए, एक मैं ऐसा दिखाऊंगी तो बीच में दिखाऊंगी, ठीक है? आप बांधे, उससे पहले आपसे एक सवाल, या आपसे पूछूं मैं,
आज से पहले आपने कभी किसी को बांधा है? नहीं, कभी नहीं, ये पहला मौका है, राइट? आपकी तो शक्ल से भी नहीं लग रहा मुझे आपने बांधा। अरे ये पुलिस में है कौन? ऑन ड्यूटी, ये इधर राइट वाले, ये 6 साल जसवंत सिंह के कमांडो रह चुके हैं। तो मतलब मैंने गलत इंसान को चुन लिया। देख लो अपने साथ। ओके। इनको सारी गांठें देनी आती है। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट परफॉर्मर आई हूँ, तो थोड़ी कृपा बनाए रखना। ओके, मैं चाहूंगी एक सिरा पकड़ लीजिए इसका, एक सिरा बबलू जी आप पकड़ लीजिए। आप लोग थोड़ा नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि ताकि आप लोग बैठेंगे तो इन सब लोगों को पीछे दिखेगा। और इसको टाइट करिए, टाइट करो। अरे अगर मैं गिर गई ना तो जादू कोई और ही दिखाएगा फिर। ओके चलो, आप बिना ढीला छोड़ते हुए मेरे हाथ के ऊपर गांठ लगा दीजिए, या मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे बांध रहे ताकि किसी को गांठ 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 अंदर 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 गांठ लगा दो, अंदर गांठ लगा दो। गुड, नहीं कोई बात, इनके भी अच्छा। सर जी, चंदन जी, आपसे एक सवाल पूछ लूं मैं आपसे, आप प्रॉपर कहां से हो? जोधपुर से। जोधपुर से हो, आप वहां से कब रवाना हुए थे यहाँ आने के लिए? 2 बजे। मतलब 2 बजे जोधपुर से रवाना होते हैं। आज घर पे श्रीमती जी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं, मतलब क्या पता वहां पे निकालने का मौका नहीं मिला हो और अभी तक मूड खराब हो तो मेरे पे वो कसर निकल रही हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब अक्सर इंसान गुस्से में आवेग में तब आता है जब कहीं जोर नहीं चलता, और श्रीमती जी के सामने तो किसी का ही जोर नहीं चलता है। नहीं लग नहीं रहा है मुझे सर, आपने जिस तरह से मुझे बांधा है। ओके, तो आपसे एक सवाल, क्योंकि आपने कैसा बांधा है ये शायद आपसे भी ज़्यादा मैं ही जानती हूँ। इतना खतरनाक तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बांधा है। आई होप कि हम ये एक्ट करें। आपसे एक सवाल, अगर मैं अपने दांतों से एक एक गांठों को खोलूं, दांतों से कितना समय लगना चाहिए अंदाज? ज़्यादा समय 30 सेकेंड। कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो आप? पतंजलि, दंत क्रांति। आइडिया था मेरे को, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन दंत क्रांति वालों के दांत इतने मजबूत नहीं होते हैं। अगर मैं आपको कभी कोई बांधे उसके बाद मैं देखना चाहूंगी कि सच में कैसे 30 सेकंड में खोला जाता है। फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरे पास ये कोट है बबलू जी, आप इसको चेक करेंगे इसमें कुछ है तो नहीं, हाथ में देख लो। नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं है। हो गई संतुष्टि सर जी आपको? धन्यवाद, अच्छा लगा। नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप पुलिस में हैं। ओके, हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगी 1 2 3, आपको इस कोट से मेरे हाथ को ढकना है, ढक के बताएंगे कैसे ढकोगे? परफेक्ट, ठीक है, ऐसे ढकना है, हटा लो। मैं बोलूंगी 1 2 3, आपको कोट को ढकना है और आपको सर समय देखना है कि मुझे कितना समय लगता है यहाँ से खुलने में, ठीक है? तैयार है आप भी तैयार है? ओके, सो 1 2 एंड 3, बिल्कुल इसको ऐसे ढक के यहाँ तक ढकना, मतलब अभी छोड़ दो, अभी छोड़ो, जब आप ढको तो आपको कोनी तक ढकना है, ठीक है? नहीं मैंने कुछ किया नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है इन्होंने बांधा बहुत खतरनाक है मुझे। ओके, सो हम लोग एक बार फिर से कोशिश करते हैं, आप तैयार है? ठीक है, ओके, सो आपको, अरे वो उधर चले जाएंगे तो मेरे लिए टाइम कौन देखेगा? चंदन जी आगे आइए, आपको आगे आना है, ठीक है? तो आप आगे, हाँ थोड़ा सा और आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं वो तो वो कहीं भी खड़े रहो, थोड़ा बहुत तो आएगा ही आवाज, आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए। आप तैयार है ना? आप तैयार है? सो 1 2 एंड 3, ढको और इसको ऐसे ढको, यहाँ तक ढको, इसको ढक के थोड़ा सा पीछे हो जाओ क्योंकि इधर वाले लोग नहीं देख पा रहे हैं ना। अरे नहीं बबलू जी, बिल्कुल हाथ भार नहीं है, आप बहुत खतरनाक बांधा है इन्होंने मुझे, मेरे लिए हिल पाना भी मुश्किल है। तो मैं कोशिश करती हूँ ये आखिरी बार कि इस बार हो सके। चंदन जी आप मेरा चेहरा ही देखते रहोगे तो घड़ी नहीं देख पाओगे।
तो मैं आपसे कहूंगी आप दोनों जगह नजर रखिए, मतलब मेरे हाथ के रस्सी पर और आपकी घड़ी पर, ठीक है? आप तैयार हैं? ऑडियंस आप लोग तैयार हैं? इतना धीरे बोलोगे तो जादू कैसे होगा? तैयार हो? सो इट्स फॉर द लास्ट टाइम में 1, 2 एंड 3 और मैं चाहूंगी आप इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। नहीं, अब मैं इनको दिखाना चाहूंगी कि आपने मुझे बांधा कैसे है। आप देख सकते हैं ये वाली चमड़ी तो गई भाई, आप देख सकते हो स्किनी गया यहाँ पर, ठीक है? आपने अभी तक मेरा शो नहीं देखा ना? नहीं। मेरे शो में एक आइटम है जिसमें मैं स्टेज पर एक ऑडियंस के किसी बंदे के, मतलब स्टेज पर एक बॉक्स होता है उसमें बंद करती हूँ। इंतजार रहेगा आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। ऑलराइट, चलिए एक लास्ट स्टेज, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही करते रही तो हमारा ये पूरा मतलब भजन संध्या इतनी अच्छी चल रही थी तो मैं उसको ज़्यादा लूँगी। एक लास्ट स्टेज और इसके लिए मैं चाहूँगी आप में से, आप आओगे भाई? वो उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, कब से मैं रहा, इनको आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आइए चलेगा। ओके, हाय, आपका शुभ नाम? विनोद। विनोद जी, लाइव चलेगा, ठीक है? मैं आपसे एक छोटा सा कुछ गाना, भजन, जो भी आप लोग गाना चाहें गा सकते हैं ना, थोड़ी देर बाद जरूरत होगी तो जब मैं आपको बोलूँगी चलेगा, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा, थैंक यू। ओके, फिर से किशन जी, विनोद जी, सॉरी विनोद जी, आप कहाँ रहते हो? यहीं पे सातोला खेड़ा में रहते हो, और क्या करते हो विनोद जी? हलवाई। हलवाई, हलवाई है, क्या बात है यार, मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। विनोद जी आप इस तरफ आएंगे प्लीज, इस साइड आएंगे। आपने पहले कभी जादू देखा है? हाँ। कहाँ पर? कोटड़ी। मेरा ही देखा था? दूसरा देखा है। किसका देखा था? बहुत सारे देखे। कभी आप जादू का हिस्सा भी बने? नहीं, कभी नहीं, पहली बार बन रहे हो, ठीक है? आप थोड़ी देर के लिए मेरे तरफ, समीर आप इनके पीछे आएंगे प्लीज। आप मेरे तरफ देखेंगे विनोद जी, हाथ ढीले छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर, गुड, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद, आप सोचिए कि आप अपने दोस्त की शादी में गए थे, सभी लोग वहां पर डांस कर रहे थे, आप भी उनके साथ डांस कर रहे थे, वही नज़ारा, वही लाइटिंग, वही म्यूजिक, या फिल्मी गाना टाइप बन सकता है क्या थोड़ा? माहौल खत्म, आप धीरे धीरे लौट आओ, हम लोग एक भजन संध्या में, आप स्टेज पर जागिए, जागो जागो जागो। तो विनोद भाई अभी आप इधर ये क्या कर रहे थे? नहीं पता। आप आपके साथ में कौन कौन आए हैं? कोई आए साथ में? हाँ। ये आपके दोस्त लोग हैं, मिलने वाले दोस्त लोग हैं, तो ये लोग आपको बताएंगे आपने यहाँ पर क्या किया था, तकलीफ दी आपको, उसके लिए माफी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और कभी शो में आओ तो जरूर मुलाकात होगी। नहीं, उनको इधर नहीं आना है, आप उधर बैठ सकते हैं।